नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों आज मैं ज्योमेट्री के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जो पिछले बार के आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के लगभग सभी एग्जाम में मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक का नाम है समरूपता और उन पर आधारित प्रश्न। तो आइए बच्चों, मैं आपको आज इस वीडियो में समरूपता के दो ऐसे बहुमूल्य बेसिक टॉपिक को समझाऊंगा और उस पर कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि जिसे देख करके आपको बिल्कुल ये आज के बाद इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो मेरे बच्चों, समरूपता पर आधारित, जैसे मैंने मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिया है, इस त्रिभुज का मान लीजिए मैंने नामकरण भी कर दिया कि चलिए ये ए बी और सी है एक त्रिभुज। अब समरूपता में क्या है, मान लीजिए बच्चों ए बी भुजा और ए सी भुजा के बिंदु पर किसी बिंदु से मिलाने वाली एक सरल रेखा खींची जाए, अगर मैं इसका नाम दे दूं डी और ई, तो मेरे बच्चों अब समरूपता में आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई का। कब होगा, अगर ये दोनों समरूप होंगे तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता है मेरे बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं ए डी यानी कि ये वाली भुजा बटे में पूरी भुजा यानी कि ए बी। ये जो भुजाओं का जो अनुपात होगा ये अगली भुजाओं के अनुपात के समान होगा, और ये जो पैरेलल जो भुजा जो समानांतर भुजा है इनका भी अनुपात इसके समान होगा। यही ना हमने बेसिक सीखा है, बहुत सारे बच्चों आप लोगों को पता भी होगी ये चीज कि एडी बटे में ए बी बराबर ए ई बटे में पूरा का ये पूरा भुजा आ जाएगा ए सी, और ये जो डी ई है ये बटे में बी सी। ये तो आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों, डी ई बटे में बी सी। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया समरूपता पर ये बेसिक कंसेप्ट कि अगर एक त्रिभुज है उसके दो भुजाओं को किसी बिंदु पर दोनों भुजाओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अगर ऐसा कंडीशन रहे तो ये किस किस अनुपात में बराबर होंगी भुजाओं का अनुपात, ये बिल्कुल बेसिक एक कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट नंबर वन था हमारा। अब इसी में मेरे बच्चों दूसरा जो कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनमें बनने वाले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत भुजा के वर्ग के समानुपात होगा। देखिए कैसे होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के यानी के उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। अब मेरे बच्चों ये क्या हो गया कि इनके भुजाओं के वर्ग के बराबर, अगर मान लीजिए मेरे बच्चों कि मान लीजिए ये जो त्रिभुज है ए डी ई, इसमें अगर किसी भी एक भुजा को मान लो आपको दे दिया, मान लो ये दे दिया ये वाली भुजा है 5 और ये वाली भुजा को मैं कह देता हूं 10, तो भैया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो यही पर फॉर्मूला देखिए बेसिक कंसेप्ट, इनके भुजाओं का जस्ट वर्ग कर दीजिए। तो मान लीजिए कि ये 5 है ये भुजा डी ई यानी कि ए डी ई की भुजा एक 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 25, और यहां देखिए क्या है त्रिभुज ए बी सी पूरे की एक भुजा दी गई है 10, तो आप कह सकते हैं ये 10 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 10 का स्क्वायर 100, 25 एक 25 25 चौके 100, तो ये अनुपात हो गया मेरे बच्चों। इतनी सी बात में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो भाई क्षेत्रफल हमें निकालना है कि मान लीजिए ये 5 है तो इसका एरिया हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा मेरे भाई, ये मान लो 10 है तो अगर ये पूरे भुजा में बी सी 10 है तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 100 हो जाएगा। तो ये देखो पूरे का एरिया आया 100 और ये आया 25, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा डी बी सी ई का, ये भी क्वेश्चन पूछा अभी, मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो भैया ये जब पूरा 100 है उसमें ये 25 है तो ये 75 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो मेरे भाई ये तीन बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, ये दो फॉर्मूला और ये एरिया, और एक और है वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही आपको समझाऊंगा और कराऊंगा। तो मेरे भाई तो देखिए ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप सभी जानते हैं, मगर क्वेश्चन देखिए बनाते समय कंफ्यूज होते हैं, तो आइए अब मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन कराता हूं। तो देखो मेरे बच्चों,
इसमें अब आपको क्या करना है कि ये एक सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर वन, ये बहुत डिटेल में लिखा है नहीं है, मैंने यहाँ डायग्राम भी दे दिया है। बहुत जगह मेरे बच्चे क्या करता है डायग्राम न देकर पूरा कहानी लिख देता है, तो कहानी को भी पढ़ के हम बना सकते हैं, वो आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, पहले आप इसे समझिए। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। त्रिभुज एबीसी में ए देखिए मेरे भाई आपको एबी दे दिया 7.2, यानी कि ये पूरा आपको मिल गया है 7.2। उसके बाद एसी यानी कि ये पूरा एसी दे दिया है 6.4, और एडी यानी कि ये छोटा वाला ये एडी आपको 4.5 दे दिया है। तो आपसे पूछा गया मेरे भाई कि ये एसी का मान एई का मान बताइए, तो अभी तो हमने समरूपता के त्रिभुज के फॉर्मूला से यही ना सीखा, क्या सीखा मेरे बच्चों की एडी बटे में एबी बराबर एई बटे में पूरा एसी, एई बटे माने एक छोटा लेना है तो एक पूरा लेना है, क्लियर सी बात है। एडी का मान आपको 4.5 दिया है, एबी आपको 7.2 दिया है, एई आपको पता नहीं और एसी आपको पता है 6.4। तो मेरे भाई सॉल्व कर सकते हैं 9 बजे 45, 9 बजे 72, 8 बजे 64, 10 बजे 4, 10 बजे 8, 8 बजे 40, यानी कि 4। तो मेरे बच्चों एई का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे तो कितने चुटकियों में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लो। अब देखिए मेरे बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिए ये मैं आपको ये भी लिख दे रहा हूं कि ये आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया था मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है हमें, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको एक त्रिभुज दे दिया है, इसमें 2 समानांतर भुजाएं दी गई हैं और कुछ कुछ का मान दिया। देखिए डी जी आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर, जी एच आपको 4 दिया है, एफ आई आपको 8 दिया है, तो ई एफ का आपसे मान पूछा है। तो क्या मैं इसे नहीं बना सकता हूं दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखिए ये दोनों का जो अनुपात होगा वही इन दोनों भुजा का अनुपात होगा, समरूपता हमें यही ना सिखाता है। तो देखिए भैया मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, डी जी बटे में जी एच बराबर यहाँ क्या हो जाएगा ई एफ बटे में एफ आई। अब मान बैठा दीजिए, डी जी है 6, जी एच है 4, ई एफ आपको पता नहीं तो ई एफ ही रहने दो, और एफ आई का मान 8 है, 4 × 8, 6 × 12, यानी कि ई एफ का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों डायग्राम देखकर घबरा जाते हैं मगर इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। आई बात समझ में? देखिए दोस्तों अब क्या है परिमिति, अब क्वेश्चन में ही देखिए थोड़ा अब नयापन आपको दिखेगा, तो नयापन से घबराइए नहीं बच्चों, हमेशा एक्सेप्ट करिए तो जिंदगी बहुत आसान होगी, हमेशा आगे रहोगे। तो देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको दे दिया गया है मेरे बच्चों, ये त्रिभुज एक कहा गया है एबीसी, ये सर्वांगसम है या समरूप भी कह सकते हैं, ये त्रिभुज है डीईएफ के। अब देखिए मेरे बच्चों दोनों की परिमिति दी गई है, परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग ही ना होता है परिसीमा या परिमिति। तो देखिए पहले की ए की दी गई है 25 और बी की दी गई है डीई की एफ की दी गई है 15। यदि बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो ईएफ का आपसे मान पूछा है। मेरे बच्चों यही तो रहा ना सवाल, तो क्या करना है कुछ मत सोचो। देखो भैया भुजाओं का देखिए परिमिति होती क्या, तीनों भुजाओं का योग, यानी जरूर किसी ना किसी तरीके से ये 25 जो है तीनों भुजा से संबंधित है, तभी तो परिमिति निकलती है ना, यानी भुजाओं का अनुपात की बात की जा रही है। तो मेरे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल देखो बीसी बटे में क्या करो, ये भुजा का अनुपात लिख दो ईएफ बराबर क्या होगा, इनके परिमिति का अनुपात भी इसी के अनुपात में होगा, भुजाओं के अनुपात में। जेहेतु यहां पर देखिए चिन्ह को ध्यान से समझिए, सर्वांगसम है समरूप है, तो यहां आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बीसी का परिमाप कितना है मेरे बच्चों 25 और ईएफ का कितना है 15, यहां लिख दो 25 5 दिया 15, बीसी का मान 9 दिया है तो 9 × 3 = 27, यानी ईएफ का बराबर हो जाएगा 27/5। अब डिवाइड कर दीजिए 5×25 = 2 = 0 आएगा, तो 5×20 यानी के 5.4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका 5.4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मेरे भाई परिमिति देख करके एक नया वर्ड ये देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई ऐसी बात नहीं है, मजा आया ना। आओ अगला क्वेश्चन और देख लो मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चों फिर से एक बार देखिए, सर्वांगसम का चिन्ह यहाँ दिया गया है, समरूपता भी कहते हैं। तो देखो मेरे भाई जब भी ये चिन्ह देख लो ना, यानी समझ जाओ समरूपता वाला लॉजिक हमें लगाना है। यहाँ देखिए दिया गया है 2 त्रिभुज हैं, मैं यहाँ बना करके आपको दिखाता हूँ, ये एबीसी है और यहाँ एक त्रिभुज मैं ले लेता हूँ डीईएफ है। कहा गया है इनके क्षेत्रफल क्रमशः 25 और
क्षेत्रफल क्रमशः 25 तथा यहाँ 36 दिया था, तो यहाँ 36 वर्ग इकाई है, तो ए बी अनुपात डीएफ का मान निकालिए, यानी कि ये जो ए बी है और ये जो ए बी तथा डीई है, माफ कीजिएगा यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हमने कर दिया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए ए बी तथा डीई यानी कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात पूछा है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारे पास मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, दोनों का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्र आपको अभी मैंने बताया टॉपिक नंबर 2 में फॉर्मूला में कंसेप्ट में कि दोनों भुजाएं अगर मान लीजिए दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाओं का वर्ग कर दीजिए तो क्षेत्रफल आ जाता है, तो जब क्षेत्रफल दिया है तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो दोनों भुजा का अनुपात आ जाएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ ए बी बटे में डीई का बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल का लिख लीजिए दोनों का क्षेत्रफल और इनका स्क्वायर रूट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 5:6। तो भैया उल्टा वाइस वर्सा है, अगर भुजा दिया है तो क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कर दो, और अगर क्षेत्रफल दिया है तो भुजा पूछेगा तो स्क्वायर रूट कर दो, एक दूसरे के विपरीत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो मेरे बच्चों बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में दिया था, इसे अच्छे से समझिएगा। देखो मेरे बच्चों एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें कहा गया है एमएन समानांतर बीसी। अब मेरे भाई पहले डायग्राम बनाओ, जब परीक्षा में डायग्राम ना दिया रहे तो सबसे पहले डायग्राम बना लो। एक त्रिभुज हमने एबीसी बना लिया, कहा जा रहा है एमएन समानांतर है बीसी के, यानी कि यहाँ कोई भुजा होगी एमएन बोल के और वो बीसी के समानांतर होगी। अनुपात दे दिया है एमएन 7 बीसी 9, यानी कि ये भुजा का मान हो गया 7 और इस भुजा का मान हो गया 9। तो कहा जा रहा है मेरे बच्चों क्या आपसे कि त्रिभुज एएमएन तथा समलंब बी एम एन सी के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो याद आ रहा है कुछ मेरे बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो कंसेप्ट जो फॉर्मूला जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों। देखो ये भुजा 7 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और ये भुजा 9 है यानी इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 9 का स्क्वायर 81। अब आप हड़बड़ी में ये गलती मत करिएगा, ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन में ये भी आंसर है 49:81। 90% विद्यार्थी ये आकर के गलती करके चले आते हैं, तो भैया ऐसी गलती क्यों, आप क्वेश्चन को पढ़िए ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है यानी एएमएन का, चलो भाई 49 मैं तो लिख दिया, सही है ये। अब हड़बड़ी में बच्चे ये पूरा 81 है और आपसे पूछा गया है बीएमएनसी यानी इस वाले पोर्शन का, तो भैया जब ये पूरा 81 है और ये वाला पोर्शन आपका 49 है तो ये 81 कैसे होगा, तो 81 में से 49 को आपको माइनस करना होगा, तो 9 दी 11 यानी 32, 4 3 7 2 9, देखो ये आ जाएगा इस एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा 32, 81 में से 49 घटाओ ये हो गया 32, तो अनुपात क्या होगा 49:32। आई बात समझ में मेरे बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे ये हड़बड़ी में ये गलती करके चले आते हैं, तो आई होप अब से आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे बच्चों ग्रुप डी 19:9:18 सिर्फ 3 का क्वेश्चन है, मैंने कहा ना यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आपको सेट में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। दिया गया है एबीसी और पीक्यूआर दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, समान है, तो एबी का मान दिया 5, पीक्यू का मान 3, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। कुछ मत करना भैया, क्षेत्रफल पूछा है तो मैंने क्या बताया था, भुजा का स्क्वायर कर दो, तो एबीसी में एबी का मान 5 है, 5 लिख दो, पीक्यूआर का मान क्या 3 है, 3 लिख दो, इनका स्क्वायर कर दो, यही अनुपात हो जाएगा, तो आंसर हो गया 25/9। देखो एक बार आंख से देख कर चुटकियों में आंसर हो जाएगा। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों ये पिछले बार के आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2/4/16 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझना। देखिए दिया गया एबीसी का क्षेत्रफल दिया आपको 63 वर्ग मीटर। मेरे भाई सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, उसका नामकरण कर दीजिए एबीसी, इस पूरे एबीसी का क्षेत्रफल आपको दिया है 63 वर्ग मीटर। अब देखिए क्या कहा है, डीएफ तथा एफसी एक ऐसी भुजाएं हैं जो एबी और एसी को 3 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये जो है डीएफ कर दो भैया और एक आपकी एफसी एक भुजा ऐसे खींच दो। अब देखो ये डीएफ और एफसी देखो एबी और एसी भुजा को 3 भागों में बांट रही है कि नहीं, देखिए 3 भागों में बांट दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज डीएफसीई, माफ कीजिएगा यहां पर एफजी होगा, डीएफ तथा
एफ सी नहीं होगा, यहाँ एफ जी होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, चलिए इसे करेक्ट कर देता हूं। डी एफ जी ई, डी एफ जी ई का आपसे मान पूछा गया है, डी एफ जी ई, आ गई बात समझ में मेरे बच्चों, डी एफ जी ई। तो अब मेरे बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपको इस भाग का यानी क्षेत्रफल पूछा गया है, सिर्फ इस वाले भाग का। तो मेरे बच्चों अब इसका एक धांसू तरीका देखो, ये आपको शायद पहले किसी ने नहीं बताया होगा, तो इसे अच्छे से समझिए। देखिए मेरे भाई, पूरे का क्षेत्रफल तो 63 है, उसे छोड़ दीजिए। ये जब तीन बराबर भागों में बांटने की बात हो रही है, यानी मान लो ये हो गया एक भाग, ये इस त्रिभुज का मान लो ये भुजा एक है, तो ये एक हो गया, इसका वर्ग कर दो एक हो जाएगा। अब भाई ये जो दूसरे वाले जो त्रिभुज है, मान लो ये एक, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे भाई, दो हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद देखो ए से लेकर पूरा बी तक लूं तो एक एक एक, यानी कि मेरे भाई ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो जाएगा। आई बात समझ में मेरे भाई, आई होप आपको इतना तो समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। अब देखो मेरे भाई, अब हमें करना क्या है कि जब ये एक है और ये वाला आपका दो, यानी कि दो का स्क्वायर 4 है, तो अब क्षेत्रफल हम लिखते हैं। मान लो एक का स्क्वायर 1 हो गया, ये पूरे का देखो भुजा है ये वाली 2, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी पूरे का क्षेत्रफल ये 4 है, तो इसमें से ये 4 में 4 या जब ये पूरा है तो 1 घट जाएगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद देखो ये पूरे का क्षेत्रफल 9 है, तो 9 में से 3 और 1 4 हट गया, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 होगा। ये तो ये बिल्कुल आराम से समझना, भुजा लिखो वर्ग करो एरिया निकलेगा, बस घटा घटा के लिखते जाना एरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई मेरे 5, 3, 8 और 1, 9, यानी कि 9 इकाई बराबर होगी इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की, जो कि आपको 63 वर्ग मीटर है ऑलरेडी दिया गया है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये 5, 3, 8 और 1, 9 ये पूरे त्रिभुज का जो अनुपातिक जो क्षेत्रफल है 9, वो बराबर होगा संख्यात्मक क्षेत्रफल के यानी के 63 के। अब आपसे पूछा गया चतुर्भुज डीएफजीई, डीएफजीई यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना, और इस वाले भाग का अनुपातिक क्षेत्रफल क्या है मेरे बच्चों, 3। तो 3 बराबर कितना, तो देखो 9 × 7 = 63, 7 × 3 = 21, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका क्षेत्रफल होगा 21 वर्ग मीटर। आई बात समझ में, देखो लाजवाब क्वेश्चन था ये मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझिएगा, अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके सीखिएगा। अब एक और लास्ट धांसू ट्रिक और तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मेरे बच्चों, तहलका क्वेश्चन है अभी तक का ये, इसे अच्छे से देखिएगा, और RRB ग्रुप डी 12-10-18 Shift 1 का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को देख करके ही अपने अस्त्र शस्त्र सभी समर्पित कर दिए थे, इसे अच्छे से समझना, आज से ये नौबत नहीं आएगी। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एक 8 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है और एक 12 मीटर ऊंचा स्तंभ है, कहा गया है ये 8 मीटर और 12 मीटर है, दोनों के शीर्ष से दोनों की तली तक एक रस्सी खींची गई है। देखिए रस्सी खींच दिया इस प्रकार से, तो कहा जा रहा है कि ये दोनों रस्सियां जो हैं जहां मिल रही आपस में, वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर मिलेगी, यानी ये हाइट है h का, आपको मान निकालना है। तो मान लो मेरे बच्चों ये a है और ये इसकी ऊंचाई b है, तो फॉर्मूला हमारा होता है h बराबर a गुना b बटे में a प्लस b। ये बहुत ही बेसिक एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला है कि जहां जमीन से कितनी ऊंचाई पर ये दोनों बिंदुएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी या मिलेंगी, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आइए इसी फॉर्मूला को इसी क्वेश्चन में अब हम अप्लाई करके देखते हैं। तो मान लिया जमीन से h ऊंचाई पर मिलेगी, तो a के जगह 8 है और b के जगह आपका 12 है, और नीचे इन्हीं दोनों को जोड़ दो तो 20 हो गया, 4 × 8 = 4×5 = 20, 24/5 मीटर की ऊंचाई पर ये दोनों क्या है मेरे बच्चों, आपस में मिलेगी। तो देखो आ गया ना मजा बच्चों, ग्रुप डी वालों या RRB NTPC वालों, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों समरूपता पे ये हमारा पहला पार्ट था इस वीडियो का, तो समरूपता पर आधारित और भी पार्ट में, अगले पार्ट में मैं चर्चा करूंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट भी जरूर करिएगा मेरे बच्चों, हमेशा इंतजार रहता है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।